अस्सलाम वालेकुम। आज 2022 का आखिरी जुम्मा है। आप सबको मेरी तरफ़ से जुम्मातुल मुबारक। और आज के दिन आपसे एक ख़ास बात करने लगी हूँ कि नया साल शुरू होने वाला है। तो आजकल मैंने देखा है कि जब नया साल शुरू होता है तो आतिशबाजी की जाती है, खुशियाँ मनाई जाती हैं। तो कहते हैं कि किसी को अच्छी बात बताना भी सदकाए जारिया है। तो आज मैं आपको यही बताने लगी हूँ कि जब नया साल शुरू होता है तो अल्लाह ताला से दुआ मांगा करें कि जो साल गुज़र गया उसमें जितने भी गुनाह किए, जितनी भी गलती कोताहियाँ की, अल्लाह ताला को नाराज़ किया, उसके लिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगे कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दे। और नए आने वाले साल के लिए दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हमें नेकी करने की हदायत दे, हमें 5 वक्त नमाज पढ़ने की हदायत दे, हमें नेक काम करने की हदायत दे और ये साल हम सब के लिए खुशियों वाला साल हो। लेकिन ये सब करने की बजाय हम लोग फजूल कामों में अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं, आतिशबाजी करते हैं, घरों को सजाते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन आपको पता है कि इन फजूल कामों से सिर्फ इंसान खुश होते हैं, अल्लाह ताला खुश नहीं होते। इसलिए वो काम करें जिससे अल्लाह ताला को राज़ी किया जा सकता है। तो इसलिए दुआएं मांगें, बहुत सारा दुरूद शरीफ पढ़ें और अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें, नए आने वाले साल के लिए ढेर सारी खुशियां मांगें, अपने माँ बाप की लंबी ज़िंदगी के लिए दुआ मांगें, अपने लिए नेकी की हदायत मांगें और अपनी ज़िंदगी में एक नया मकसद, एक नेक मकसद लेकर चलें, तो ही ज़िंदगी जीने का मज़ा भी आता है। हम इंसानों को जितना मर्ज़ी खुश कर लें लेकिन ये खुश नहीं होते। खुश करना है तो अपने रब को कर लो, अपने प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी कर लो। मेरी दुआ है कि अल्लाह हम सब को नेक हदायत दे और नए आने वाले साल में हम सब एक अच्छे इंसान बने। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।